VCS जॉब में अप्लाई किया था बट कोई रिवर्ट नहीं आया, चाहे टूटी फूटी कैसी भी इंग्लिश बोलो लेकिन इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है। बट हाँ, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक ये समझ लो या टिप समझ लो जो मैंने भी करी थी, उससे आपको ना चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर 15 दिन की ट्रेनिंग है तो 15 डे पे आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसको ये लोग टोल गेट टेस्ट बोलते हैं, जो ट्रेनिंग के लास्ट में होता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अर्जित और इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन के जॉब्स के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अमेज़ॉन से रिलेटेड ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें अमेज़ॉन वेलकम किट में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है उसकी पूरी जानकारी दी है। तो इन केस अगर आपका अमेज़ॉन में ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है बट वेलकम किट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। प्लस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा। प्लस लास्ट जो वेलकम किट वाली वीडियो थी उसके नीचे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने इस वीडियो के एंड में डाल दिए हैं, तो आप उसको टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग जो ठीक लगे वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अमेज़ॉन कंपनी के बारे में, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो अमेज़ॉन इंडिया की अगर बात करें तो अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप आप सबको पता है, अमेज़ॉन प्राइम आपको पता है। बट अगर US, कनाडा या UK की बात करें तो वहाँ पर अमेज़ॉन की बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे अमेज़ॉन गेम्स, अमेज़ॉन फ्रेश आता है, उसके अलावा AWS सर्विसेज करके एक है जिसमें अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितना भी डेटा है वो अमेज़ॉन के सर्वर पे ही स्टोर होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार आपको अमेज़ॉन गेम्स की कस्टमर सपोर्ट की जॉब मिल जाएगी, जिसका इंडिया से कोई रिलेटेड नहीं है, वो अब्रॉड के लिए आती है, बट इंडिया में आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अब बात आती है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की, तो अमेज़ॉन शायद इकलौती ऐसी अब कंपनी बची होगी जो स्टार्टिंग में ही, मतलब फर्स्ट डे से ही आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन, और यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जॉब्स में अमेज़ॉन की, वो ये है कि अमेज़ॉन ने आप जो परमानेंट जॉब थी वो ज़्यादातर रिमूव कर दी है। कोडिंग, बीटेक और BCA वाली जॉब्स की बात नहीं कर रहा, बट कस्टमर सपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, ऐसे करके जो जॉब्स आती हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर सकते हो, वहाँ पे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट या फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको होता है। और मेजॉरिटी जॉब्स में ये कर दिया है अमेज़ॉन ने, हार्डली 10% ऐसी जॉब आपको मिलेंगी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या तो 1 साल का है या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है। तो पहले अमेज़ॉन आप मतलब शायद बच्चों को ट्राई करना चाहता है जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं कि वो सही से काम करते हैं, तो फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट या तो बढ़ाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट कर देता है। लेकिन अभी के लिए तो 6 महीने वाली जॉब ही आपको मिलती है, मुझे खुद 6 महीने वाली जॉब मिली है। और अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉब्स जो कि अमेज़ॉन में अवेलेबल रहती हैं। सबसे पहले जो अमेज़ॉन की तरफ से जॉब आती है वो है कस्टमर सपोर्ट और वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, सब लोग उसी के अंदर जॉब करना चाहते हैं। और उसके अलावा जो आती हैं वो हैं बाकी सारी जॉब्स। तो बाकी सारी जॉब्स में जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूटिव, अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट, उसके अलावा ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, ये सारी जॉब्स आती हैं। प्लस जो अमेज़ॉन कस्टमर सपोर्ट की जॉब है ना, अमेज़ॉन ने उसके लिए एक अलग ही वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें सिर्फ कस्टमर सपोर्ट और वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की अमेज़ॉन हायरिंग करता है। और नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे दिख जाएगा, पॉज करके देख लेना और उसके बाद उसी में अप्लाई करना अगर आप वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट पे कर रहे हो। और बाकी जितनी सारी जॉब्स हैं अमेज़ॉन इंडिया के लिए वो सारी आपकी दूसरी वेबसाइट पर मिलेंगी। तो ये दो अमेज़ॉन की वेबसाइट हैं जो कि अमेज़ॉन यूज़ करता है हायरिंग प्रोसेस के लिए। और अब बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो चाहे आप वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के लिए देख रहे हो, चाहे मान लो फ्रॉड एनालिसिस या अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट, कुछ भी आप देख रहे हो, तो एज सच कोई क्वालिफिकेशन का अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको एज सच क्वालिफिकेशन का नहीं दिखेगा, बल्कि VCS यानी कि वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में तो अमेज़ॉन 12th पास के लिए भी हायर कर लेता है, 12th पास वालों को भी। और बाकी ज़्यादातर जॉब में फिर ग्रेजुएशन बेसिक, मतलब अगर आपने BA भी करा है, BSc भी करा है, कुछ भी करा है, तो वो चल जाएगा, अमेज़ॉन उस पर इतना फोकस नहीं करता है। तो अब बात करते हैं हाउ टू गेट अ जॉब इन अमेज़ॉन, और इसमें मैं पहले VCS के बारे में बात करूँगा, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के बारे में। तो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की जैसे मैंने आपको भी बताया, अमेज़ॉन ने अलग ही वेबसाइट बना रखी है, और साल के किसी भी दिन आप चेक करोगे ना, 24/7 ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें आपको जॉब्स अवेलेबल ना दिखाए, हमेशा वहाँ पे 3-4 हायरिंग हो रखी होती है, मतलब 3-4 आपको अवेलेबल दिखेगी हमेशा। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, जैसे मान लो मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, वहाँ पर अगर मुझे दिख जाता है कि हायरिंग फॉर वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एंड वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल इन उत्तर प्रदेश स्टेट, तो मैं डायरेक्ट जाके वहाँ अप्लाई कर दूंगा। एक तरीका तो ये है,
दूसरा जब मैंने किया था, जैसे आप 10 जॉब मुझे दिख रही हैं, कोई मध्य प्रदेश की है, कोई आपका उत्तर प्रदेश की है, भले ही मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, लेकिन मैंने उस टाइम जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने 10 के 10 में कर दिया था अप्लाई। बट उससे कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बाद में जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं या फिर वेलकम किट के लिए आपका एड्रेस मांगते हैं, तो वहाँ पे वो देख लेते हैं कि इसका जो है ये स्टेट है एक्चुअल में, और इसने इस वाले में अप्लाई किया, तो आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हाँ, इसका एक थोड़ा सा लूप होल बोल दो आप या कुछ भी बोल दो, इसमें एक तरीका ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन जो है वो 11 अप्रूव्ड स्टेट्स हैं उसकी, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, और उसके अलावा आपका शायद वेस्ट बंगाल, ये सारी स्टेट भी आते हैं, पंजाब भी आता है। बट कुछ स्टेट अमेजॉन वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड ही नहीं करता है, जैसे कि बिहार में आपको कभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नागालैंड है, आसाम है, यहाँ पे आपको बहुत ही कम चांसेस है कि वर्क फ्रॉम होम मिले। अब जैसे मैं तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ अमेजॉन में, तो मेरे वाली जो पोजीशन है उसमें एक बंदा ऐसा है जो उड़ीसा में, उसका एड्रेस है, उड़ीसा में रहने वाला है, बट उसे जॉब चाहिए थी, तो उसने क्या करा, उड़ीसा में अपना सिर्फ आधार कार्ड का एड्रेस दिखाया, लेकिन रेजिडेंस एड्रेस भी आपसे मांगते हैं, तो रेजिडेंस एड्रेस में उसने हैदराबाद डाल दिया। फिर वो लोग क्या करते हैं, वेलकम किट भी आपके हैदराबाद, क्योंकि अप्रूव्ड स्टेट और अप्रूव्ड सिटी में आता है, तो वहाँ पे आपके डिलीवर करवा देंगे जो वेलकम किट होती है। तो उसने उड़ीसा से मूव करके हैदराबाद वो ऐसे ही उसने नॉर्मल पीजी ले लिया, और वेलकम किट वगैरह जब उसको मिल गई, तो बाद में अगर वो चाहे तो वो जा सकता है अपने घर और वहाँ पे काम कर सकता है। तो एक तरीके से ये ट्रिक बोल लो आप, लूप होल बोल लो, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा पैसा खर्च होगा, क्योंकि जो अप्रूव स्टेट है, जैसे मान लो आप लोग रहते हो बिहार में, पटना में रहते हो, बट यूपी में जॉब आई है, बिहार में नहीं आई है, तो आप आधार कार्ड में तो चेंज नहीं कर सकते एड्रेस, लेकिन आप लोग यूपी में रेजिडेंस एड्रेस डाल सकते हो। जैसे आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड लखनऊ में रहता है, आप उसका एड्रेस डाल दो, और वेलकम किट और जो कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से होगा वो आपके लखनऊ वाले एड्रेस पे होगा, बट वहाँ पे एटलीस्ट आपको एक एड्रेस चाहिए। तो ये तरीका है, और जो अप्रूव स्टेट है ज़्यादातर वहीं पे आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं, जैसे मान लो आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने 10 जॉब में अप्लाई कर दी, जो मेरी स्टेट की है उसमें भी, जो मेरे स्टेट की नहीं है उसमें भी। तो आगे क्या होता है, अगर आप 10 में भी अप्लाई करते हो VCS के लिए, 10 में से आपको 2-3 का ही मेल आएगा कि आपने हाँ अप्लाई कर दिया, कन्फर्मेशन मेल जो होता है ना कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग, तो वो 2-3 का आता है, वो बहुत कॉमन है। अमेजोन का ये प्रोसेस थोड़ा ख़राब लगता है मुझे और काफ़ी स्लो है। तो अगर आप मान लो सिर्फ अपने स्टेट का अप्लाई करते हो, 5 बार अप्लाई करोगे तब 1 या 2 बार मेल आएगा, तो इसलिए आप ये इसके भरोसे मत बैठना कि मेल क्यों नहीं आया, या अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, अप्लाई हो गया है बट मेल आने की कोई गारंटी नहीं है, मेल 90% तो नहीं आता है, एक आदमी किसी को आ गया कन्फर्मेशन का तो बहुत अच्छी बात है। अब अप्लाई के बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि मैंने मान लो 1 तारीख को अप्लाई करा, लेकिन मेरे पास असेसमेंट मेल कब आएगा। तो असेसमेंट मेल का ये रहता है, जैसे आपने अप्लाई, जब आप करोगे अप्लाई करने के काफ़ी बार 10-15 दिन के बाद, काफ़ी बार 1 महीने के बाद, काफ़ी बार आता ही नहीं है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सोचोगे कि अभी तो मेरा असेसमेंट टेस्ट भी नहीं हुआ है, और अगर मेरा असेसमेंट टेस्ट में मार्क्स कम आते तो अलग बात थी, बट असेसमेंट टेस्ट का मेल में लिंक ही क्यों नहीं आया। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे मैंने तो करीब मैं 6-7 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ, काफ़ी बार कंफर्मेशन मेल आता है, उसके बाद 1 महीना 2 महीना असेसमेंट आता ही नहीं है। और अमेज़ॉन का जो असेसमेंट टेस्ट होता है ना, ये 2 तरीके से होता है। पहला ये कि अमेज़ॉन खुद आपको मेल करेगा कि आप अमेज़ॉन के असेसमेंट टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और 2 दिन के अंदर आप इसको सबमिट करके पूरा क्लियर कर दीजिए। दूसरा होता है, आपको एक मेल आता है hirepro.in से। hirepro.in जो है वो अमेज़ॉन के साथ इस कंपनी का टाई अप है। तो मान लो अगर 100 में से ना 50-60% केसेज में hirepro.in से ही आपको मेल आएगा, और वहाँ पे लिखा होगा कि आपने अमेज़ॉन में अप्लाई किया था, और इसमें आप क्लिक करके इसको भर सकते हो। कोई गारंटी नहीं है 1 महीने बाद आए 2 महीने बाद आए, वो कभी भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों में से ही आएगा, इसके अलावा कोई तीसरी कंपनी नहीं है जो आपको असेसमेंट टेस्ट का मेल भेजेगी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ट्रिक समझ लो आप एक तरीके का, जो एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्टेट एलिजिबल नहीं है तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। दूसरा जो मैंने किया था कि अगर 10 की 10 पोजीशन दिख रही है ना आपको, 10 की 10 आप भर दो, ये लोग बोलते हैं कि 90 डेज़ का कूलिंग पीरियड है, वैसे भी अगर आप एक पोजीशन भरोगे और उसमें आपको मेल नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, 10 में से आपको एटलीस्ट 1-2 का कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। बात करते हैं कि आपके पास असेसमेंट टेस्ट का मेल आ गया, अभी मैं सिर्फ VCS का बता रहा हूँ आपको, तो असेसमेंट टेस्ट का जब आपके पास मेल आएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं,
तो कुछ तो अगर हायर प्रो से आया है तो कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि कोई बंदा 10 किलोमीटर इतनी देर में भागता है, 20 किलोमीटर कितनी देर में भागेगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। प्लस क्योंकि VCS में आपका हो सकता है चैट प्रोसेस में आप जाओ या हो सकता है कॉलिंग वाले प्रोसेस में आप जाओ, तो आपको ना वहाँ पे मेल टाइपिंग वगैरह का भी आएगा, प्लस AI होगा, मतलब एक कंप्यूटर होगा वो आपको कुछ बोल के बताएगा, जैसे कि आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब आई एम गोइंग टू कॉलेज उसने एक बार बोल दिया, आपको वो लिखना है कि आप सही लिख पा रहे हो या नहीं, सुन के सही लिख पा रहे हो या नहीं, इस तरीके का टेस्ट होगा। प्लस इसके अंदर वर्ड्स एंड राउंड होता है, वर्ड्स एंड राउंड इंग्लिश का UK की एक कंपनी है, मतलब UK में होता है, जैसे IAS का होता है ना, अगर आप कनाडा वगैरह पढ़ना जाना चाहते हो तो वैसे ही आपका एक ये टेस्ट होता है वर्ड्स एंड का, जिसमें दो टाइप के आते हैं, एक होता है रिटन और एक होता है आपका ओरल, तो वो दोनों आपको मेल पे आ जाएगा। और काफ़ी बार नहीं आता है, काफ़ी बार इसी टेस्ट में इंक्लूडेड होता है, काफ़ी बार आपको अलग से आ जाएगा। उसके बाद मान लो आपने आज 1 तारीख को असेसमेंट टेस्ट दिया और सबमिट कर दिया, तो उसका आपको कोई स्कोर पता नहीं चलेगा, ना आपको ये पता चलेगा कि आपने क्लियर करा है या नहीं करा है। हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, काफ़ी बार नहीं भी आपको कोई वापस से मेल नहीं आएगा, कि अमेज़ॉन में ये चीज़ बहुत ख़राब है कि कोई भी आपको सही से बताते नहीं है, नोटिफाई नहीं करते कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो टाइम बहुत इसके अंदर आपका जाता है। तो इन केस मान लो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी आपको ये नहीं आएगा मेल कि आपका सिलेक्शन हो गया, यू आर सेलेक्टेड, या फिर यू हैव क्लियर दी असेसमेंट। आपको एक नॉर्मल सा मेल आएगा जिसमें आपका लिखा होगा, जैसे मान लो आपने 1 तारीख को भरा, असेसमेंट दे दिया, सबमिट कर दिया, 15 तारीख को आपके पास दोपहर में 11 बजे मेल आएगा कि यू आर सेलेक्टेड फॉर अ वर्चुअल इंटरव्यू विद दिस पर्सन फॉर दिस रोल, ठीक है। और वो 11 बजे सुबह आएगा ना, उसी दिन आपका 3 बजे होगा, मतलब 4 घंटे का टाइम होगा, इन केस अगर आपने मेल चेक नहीं करा तो आपका जो ये इंटरव्यू है ये चला जाएगा। और नीचे उसमें साफ साफ लिखा होगा, यहाँ पे आपका डाल दूंगा जो मेरे पास आया था स्क्रीनशॉट, साफ साफ लिखा होगा कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू एनी अदर डेट फॉर दिस इंटरव्यू। तो इसलिए आपको मेल रोज़ चेक करते रहना है, क्या पता कब आपके पास मेल आ जाए। नॉर्मल एक नॉर्मल सा बेसिक सा होता है, उसमें 40-50 लोग होते हैं, मान लो आपने ज्वाइन करा 3 बजे, तो थोड़ा वेटिंग टाइम होता है, फिर एक एक करके जो HR होती है उसके साथ आपका इंटरव्यू होता है। और क्वेश्चन क्या पूछते हैं, पहला क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये पूछते हैं। दूसरा है कोई भी सिनेरियो दे देंगे, जैसे मान लो कि कोई अमेज़ॉन पे कस्टमर है, उसने एक आईफोन मंगाया है और आईफोन टूटा हुआ निकला हो उसका, या डिलीवरी बॉय ने कुछ कर दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आप बोल दो कि हम कस्टमर से सबसे पहले अपोलोजाइज़ करेंगे या सॉरी बोलेंगे, ऐसे करके बस बेसिक 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछते हैं, बस थोड़ा वो चेक करते हैं। और हाँ, होता कौन सी लैंग्वेज में, तो भाई लोग इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है, हिंदी का आपको एक शब्द भी वहाँ पे कोई बोलता हुआ नहीं दिखेगा। तो चाहे टूटी फूटी कैसी भी इंग्लिश बोलो, लेकिन इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है, क्योंकि अमेज़ॉन जो नोएडा में एक ऑफिस है, बाकी जितने भी अमेज़ॉन के ऑफिस हैं, अमेज़ॉन हैदराबाद में सबसे बड़ा ऑफिस है, अमेज़ॉन बैंगलोर में है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी इतनी नहीं आती, सब साउथ के लोग हैं, तो क्या पता साउथ वाला कोई HR आपका इंटरव्यू ले रहा हो, इसलिए इंग्लिश थोड़ी प्रिपेयर करके जाना वहाँ पे। आपको ये भी नहीं कि आप बीच में थोड़ा सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश में ही होगा। हाँ, बस 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे लोग होते हैं, कम से कम 40-50 लोग होते हैं, 2-3 घंटे तक वेट टाइम होता है, डिपेंड करता है आपका नाम कौन से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, जैसे मेरा ए से है तो मेरा जल्दी नाम आ जाता है, बट जैसे मान लो किसी का कुछ और है, जैसे एस से है, एन से है, ऐसे लोगों का थोड़ा लेट आता है, क्योंकि वहाँ अल्फ़ाबेटिकल लेते हैं काफ़ी बार। इस तरीके से आपका 1-2 घंटे में वो हो जाता है, फिर बोलते हैं ठीक है, वी विल लेट यू नो, अगर उन्होंने बोला वी विल लेट यू नो तो हाँ भी है ना भी है, और अगर सिलेक्शन हो गया तो 2-3 दिन में आपको मेल आ जाता है ज्वाइनिंग डेट का। अगर 2-3 दिन में कोई मेल नहीं आया तो आप समझ जाना कि आपका नहीं हुआ। तो ये तो हुआ VCS का। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के अलावा अमेज़ॉन में बाकी जॉब्स में अप्लाई करना है या बाकी जॉब्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की अलग वेबसाइट है, बाकी सारी जॉब्स की अलग वेबसाइट है। वेबसाइट पे आपको जाना है सबसे पहले, उसमें जो मेन जॉब्स हैं जो ज़्यादातर फेमस हैं, एक तो ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर है जो मैं कर रहा हूँ, एक है आपका ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट, अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट, ऐसे करके 3-4 जॉब्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आप सर्च करके एक तो अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई नॉर्मल आप करोगे तो सेम जैसे मैंने VCS का बताया ना, वैसे ही प्रोसीजर होता है, काफ़ी बार मेल आएगा, काफ़ी बार मेल नहीं आएगा। उसका जो असेसमेंट टेस्ट होगा वो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको किसी कस्टमर से बात नहीं करनी है कि आप पूरे दिन कॉलिंग कर रहे हो या पूरे दिन चैट कर रहे हो कस्टमर सपोर्ट की तरह, तो उसका जो असेसमेंट टेस्ट होता है उससे क्वेश्चंस कम होते हैं
और दूसरी बात, उसमें वर्स एंड राउंड नहीं होता है कि आपको कोई एआई बोल रहा है आपको टाइप करना है या मेल लिखना है, ऐसा नहीं होता है। 20-25 क्वेश्चन आपके नॉर्मल होते हैं जो मैंने दिया था। अगर आप दूसरे जॉब्स वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के अलावा बाकी जॉब में भी वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो तो उसमें देखो वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि ये जॉब की पोजीशन कहाँ पर है। लेकिन जैसे मेरे केस में जो मेरी पोजीशन थी वो थी हैदराबाद, लेकिन मैंने बहुत सारे जॉब्स में अप्लाई करा क्योंकि अप्लाई करने में कुछ जा नहीं रहा, तो मुझे जितनी दिख रही थी अवेलेबल मैंने सारे में अप्लाई कर दिया और मेरे जॉब में लिखा था कि जॉब इन हैदराबाद। लेकिन जब मेरा असेसमेंट टेस्ट हुआ उसके बाद एचआर ने मुझे मेल किया तो उस मेल में लिखा था कि हैदराबाद में तो पोजीशन है, आपके ऑफर लेटर पे भी हैदराबाद लिखा होगा, लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम के लिए एलिजिबल हो, हम आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में आप आते हो जो कि इंडिया के 11 अप्रूव स्टेट हैं अमेजोन की, मैं वो उसका भी लिस्ट डाल दूंगा, उसमें से आता है। और अगर कोई जॉब स्पेसिफिकली वर्चुअल के लिए है, मतलब उसमें वर्क फ्रॉम होम ही है, ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको वहाँ दिख जाएगा वर्चुअल लिखा होगा, फिर ब्रैकेट में ना स्टेट का नाम लिखा होगा, जैसे वर्चुअल लिखा है किसी जॉब के नीचे और ब्रैकेट में लिखा है TN मतलब तमिलनाडु, इसका मतलब है उसका हायरिंग ऑफिस तमिलनाडु में है, लेकिन जो एम्प्लॉय उसके लिए अप्लाई कर रहा है अगर वो सिलेक्शन हो जाता है उसका तो उसको वर्चुअल मिल जाएगा, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें तो आपको इसके अंदर ऑलमोस्ट वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट जैसा ही प्रोसेस रहता है तो वही आपको फॉलो करना है। हाँ बस एक चीज़ है कि वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में ना, क्योंकि वो वाली जॉब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी उसकी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि 12th पास वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी जॉब्स जितनी भी हैं जो दूसरी वेबसाइट पर आपको मिलेंगी उसमें इतने लोग अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि एक तो नाम सबके बहुत अजीब अजीब हैं, जो उसके लिए एलिजिबल होता भी है उसको भी पता नहीं है कि इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, सबको पता है कि हाँ वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो इस तरीके से वहाँ पे आपका वेट टाइम काफ़ी कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू राउंड्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो जो मेरा सिलेक्शन पहले वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में हुआ जो मैंने आपको पूरा बता दिया, तो वो नॉर्मल जैसा मेरा हुआ मैंने आपको वैसे बताया। बात करते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर की, तो जो एचआर ने मुझे मेल भेजा था उसमें एचआर ने मेरे से टाइम पूछा, इस वाली जॉब में मेरे से पूरा टाइम पूछा गया कि कब आप फ्री हो इंटरव्यू के लिए, मैंने उसको बता दिया मैं इस टाइम फ्री हूँ। उसके बाद उसने मुझे एक PDF भेजी, PDF में लिखा था कि ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का जॉब प्रोफाइल ये होता है और आप इंटरव्यू प्रिपरेशन ये करके आना, तो व्हाट इज़ फ्रॉड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, या फिर अमेजोन पे अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसका इंटरव्यू मेरे से कम 5-10 मिनट चला था और मैं वहाँ पे सिर्फ अकेला था, कोई ऐसा नहीं था कि 40-50 लोग का वेटिंग टाइम है, नॉर्मल मैं था और एक एचआर थी। और एचआर होने के बाद फिर मेरा दूसरे दिन सेकेंड राउंड हुआ था जिसमें एक ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का एक सीनियर मैनेजर जो था उसने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो वही मेरे से कुछ सिनेरियो दे दिए कि अगर मान लो कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें मेरे से बेसिकली पूछी गई थी। पर इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा हुआ था और इंटरव्यू के 3 से 4 दिन बाद मेरे पास एक मेल आया था जिसमें लिखा था कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दो, जो मैंने उन लोगों को ऑलरेडी कर दिए थे, जिससे मुझे जो फ्रेशर को पैकेज मिलता है उससे ज़्यादा मिल गया था। उनका एक रेंज होता है, जैसे मेरे वाले ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर में 3.2 LPA से 4 LPA था और मुझे वहाँ पे उन्होंने जब डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिए तो उन्होंने मुझे 3.2 नहीं दिया, बोल रहे थे कि आपको 3.75 के समथिंग मिल जाएगा, तो वो मेरे पास मेल में आ गया था। अब बात करते हैं फिर उसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है, मतलब वर्क कल्चर वगैरह क्या है, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट और आपका ये ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, इन दोनों के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की ज्वाइनिंग थी 1 जुलाई 2024 की और ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर की ज्वाइनिंग थी 15 जुलाई की। अब मुझे ऑलरेडी नहीं पता था क्योंकि पहले मेरा VCS का सिलेक्शन हुआ, मुझे नहीं पता था कि TRI में ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जब मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया तो मैंने 25-28 जून के आसपास, 25 से 28 के बीच में मैंने ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर वाली HR को भी, कस्टमर सपोर्ट वाली HR को भी मैंने बहुत मेल करे कि मैं आई एम सेलेक्टेड इन बोथ, व्हाट शुड आई डू, और मुझे आप लोग ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर दोगे। मैंने कम से कम 9-10 मेल करे थे, उसमें से एक जने ने भी मुझे रिप्लाई नहीं दिया था कि मतलब नॉर्मल एक नॉर्मल मुझे कॉल कर लें या रिप्लाई कर दें। तो और ऐसा नहीं क्योंकि अब मैं सिस्टम में ऑलरेडी आ चुका हूँ अमेजोन के, तो मुझे पता है कि सारे मेल अगर आप कोई कर रहे हो तो वो मेल तुरंत डिलीवर हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास बहुत लाखों मेल आ रहे हैं, वो पूरा मेल पढ़ते हैं लेकिन दे आर नॉट बॉदर्ड टू रिप्लाई, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हायरिंग से पहले, क्योंकि उन्हें लगता है हायरिंग होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो और कैंडिडेट देख लेंगे, ऐसे वाला उनका एटीट्यूड रहता है जो HR लोग होते हैं। तो मुझे किसी का मेल नहीं आया, फिर बाद में मैंने 3-4 मेल करे कि प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई, तो
तो जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट था उसने मेरे को, उस वाले एचआर ने मुझे कॉल किया, उसने बोला कि दिस इज़ नॉट एथिकल, आपने दोनों में अप्लाई कर दिया ये वो। मैंने उसको बोला कि जब मैंने रिस्क वाली जॉब में अप्लाई किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में भी सिलेक्ट होऊंगा, और मैं लकीली दोनों में हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको फिर यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ऐसे करके बोला उसने। बट फिर क्योंकि कस्टमर सपोर्ट की हर गली में, नोएडा के हर सेक्टर में 50 ऑफिस हैं, और मैंने ये सोच के रिस्क लिया कि मैं कस्टमर सपोर्ट वाली ज्वाइन नहीं करूँगा और मैं ट्रांजेक्शन रिस्क वाली ज्वाइन करूँगा, तो मैंने 1 तारीख को ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन रिस्क वाली जो जॉब थी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ब्लैक लिस्ट हो गया, मैंने उसमें ज्वाइन किया, उसकी एचआर भी ठीक थी। और हाँ, यहाँ पे जो एचआर हैं सारे कम्युनिकेशन मेल पे ही आते हैं, एक नॉर्मल टेम्पलेट भेज देते हैं आपको कि डेट ज्वाइनिंग डेट ये है, सैलरी ये रहेगा। एचआर से कॉल वगैरह जो जैसे नॉर्मल किसी कंपनी में होता है ना कि एचआर कॉल करती है आपको, एक बार डिस्कस कर लेती है आपसे कि आर यू कम्फर्टेबल अगर हम ये ज्वाइनिंग डेट दें आपको, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे पूरा बैच चलता है, मतलब अगर 15 जुलाई ज्वाइनिंग डेट है तो 15 जुलाई में या तो आप ज्वाइन कर लो आपके साथ, क्योंकि 20-30 लोग और ज्वाइन करेंगे। अगर आपने 15 जुलाई को ज्वाइन नहीं किया तो फिर आपको एक और जो नेक्स्ट बेस्ट डेट होगा, जैसे मान लो 2 हफ्ते बाद है 30 जुलाई को, तो वो 30 जुलाई के साथ आपको एनरोल कर देंगे कि 30 जुलाई आपकी ज्वाइनिंग डेट है, लेकिन कम्युनिकेशन वगैरह वो आप भूल जाओ। तो ये तो हुआ आपका पहले हायरिंग से। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, तो अमेज़ॉन में 2 से 3 महीने का मिनिमम वेट टाइम लेके चलो। ऐसा नहीं है अमेज़ॉन में कि आपने आज अप्लाई करा, असेसमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, चाहे वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में जाओ चाहे किसी में भी जाओ, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी खराब मुझे लगती है पर्सनली। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की कि हायरिंग के बाद का आपका क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे मेरा 15 जुलाई को ज्वाइनिंग डेट था, ज्वाइनिंग डेट के बाद पहले दिन जब मैं गया तो उसमें बेसिकली आपका सिस्टम जो लोग भिजवाते हैं वो सेट करवाते हैं, तो 1-2 घंटे की आपके साथ आईटी टीम के साथ मीटिंग होती है। और इनका ना एक सिक्योरिटी की जो मैंने आपको दिखाई थी वेलकम किट वाली वीडियो में, वो आती है, तो वो मतलब फिंगरप्रिंट होता है बेसिकली, तो वो एक तरीके से होता है कि आप ही यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो पहले दिन आपका रजिस्टर हो जाता है। आपको डेली जब लॉग इन करो तो फिंगरप्रिंट करना पड़ता है, जैसे हम लोग फ़ोन में करते हैं ना, सेम वैसे उसी तरीके से। और 2 घंटे के बाद जब आपका आईटी का पूरा लैपटॉप वगैरह सेटअप हो जाता है, फिर जो हायरिंग मैनेजर होता है, हायरिंग एचआर, सॉरी, हायरिंग एचआर प्लस हायरिंग मैनेजर दोनों लोग होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप मतलब कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, सब कुछ आपको बता देते हैं, शिफ्ट वगैरह आपको ट्रेनिंग में पता चल जाएगी। अब यहाँ पे पहले दिन जो मेरे साथ दिक्कत हुई वो ये हुआ कि है ना, ओरिएंटेशन का ऐसा सच कोई नहीं होता कि जैसे अगर आप कोई बड़ी कंपनी में जाओ, जैसे मैं पहले इन्फोज इंडिया में था, वहाँ पे फर्स्ट डे 3-4 घंटे का ओरिएंटेशन होता है, इसमें पीडीएफ में सिखाते हैं कि इतनी लीव्स आपको मिलेंगी, ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो एक एक करके पूछ रहे थे सबसे कि व्हाट इज़ योर वर्क मोडेलिटी। अब भाई मुझे वर्क मोडेलिटी उस समय समझ में नहीं आया, क्योंकि वर्क मोड समझ में आता है, लेकिन वर्क मोडेलिटी उन्होंने बोला, और हैदराबाद और बैंगलोर के एचआर और मैनेजर थे, उनका एक्सेंट भी काफ़ी अलग था। तो फिर मेरे से जब पूछा कि व्हाट इज़ योर वर्क मोडेलिटी, फिर मेरे को ऑप्शन दिए हैदराबाद और वीसीसी। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय हैदराबाद और वीसीसी, सो दे सेड वीसीसी एज इन वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर। सो देन आई सेड कि व्हाट इज़ वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर, प्लीज़ एक्सप्लेन मी। सो उन्होंने फिर बोला कि डू यू वॉन्ट टू वर्क इन हैदराबाद ऑफिस और डू यू वॉन्ट टू वर्क इन वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट। सो आई सेड वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट, तो उन्होंने कहा ओके, और वी आर मार्किंग यू एज वीसीसी, वर्क फ्रॉम होम मीन्स वीसीसी इन अमेजोन। अब जो वीसीसी मतलब वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर है, अमेजॉन वर्क फ्रॉम होम को वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर बोलता है, क्योंकि ये लोग जो हैं अमेजॉन की चाइम ऐप वगैरह आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होता है ना, वो यूज़ नहीं करते, इनका अलग सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ के ऊपर लिखा आता है कि आप उसमें जॉब कर रहे हो, हैदराबाद मतलब ऑफिस में हो, या फिर आप वीसीसी वाले पोजिशन पे हो, वर्क फ्रॉम होम सेटअप में हो। तो ये चीज़ इनको ओरिएंटेशन में बतानी चाहिए, लेकिन चलो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था, फर्स्ट डे हम लोगों को 9 बजे बुलाया था, 1-2 घंटे आईटी सेटअप में लगा, फिर ये जो मीटिंग वगैरह हो रही थी सबकी कि वर्क फ्रॉम होम करोगे या हैदराबाद में, वो पूछा सबसे, उसके बाद फिर 1-2 बजे तक हमारी छुट्टी हो गई। फिर बोला कि 16 तारीख यानी कि नेक्स्ट डे से आपको एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग मैनेजर की तरफ से एक मेल आ जाएगा आपकी ट्रेनिंग के लिए, और उसमें जो टाइम लिखा होगा, जो वीक ऑफ लिखा होगा, वो आपको एज इट इज़ फॉलो करना होगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था, बस जो मैंने आपको बताया वही थोड़ा डाउट वगैरह था। अब बात करते हैं वर्क टाइमिंग्स की और वीक ऑफ की। तो ट्रेनिंग में मतलब आपको वीक ऑफ वगैरह अलग मिलता है, ज़्यादातर सैटरडे संडे होता है, और टाइमिंग सुबह 10 से लेकर 7 तक रहेगा या 12 से 9 रहता है मेजॉरिटी ऑफ़ द ट्रेनिंग में। तो चाहे आपका वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट हो या चाहे कोई और जॉब हो, ज़्यादातर यही रहता है, लेकिन डिपेंड करता है वो ट्रेनिंग मैनेजर और ट्रेनिंग जो ले रही है आपकी ट्रेनर, उसके हाथ में होता है। और वर्क टाइमिंग्स जो मेरी हैं, वो मेरी अभी 12 to 9 का शिफ्ट है, जिसमें मुझे 1 आवर का ब्रेक मिलता है।
मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है। आधे घंटे का लंच ब्रेक ले लूँ, चाहे 1 घंटे का एक बार मैं ले लूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे वीक ऑफ 2 दिन का आपको फिक्स मिलेगा, ऐसा नहीं है सैटरडे संडे मिले। जब आप ट्रेनिंग के बाद जाते हो तो मैनेजर आपका वो डिसाइड करके आपको दे देता है, आपके हाथ में नहीं होता है। जैसे मेरा अभी संडे और मंडे चल रहा है, लेकिन वो चेंज होता रहता है। और टाइमिंग्स यहाँ पे ऐसी रहती हैं जैसे कि 1 10 से 7 की शिफ्ट रहती है, फिर 12 से 9 की शिफ्ट है। जो मेरे वाला जॉब है उसमें कस्टमर सपोर्ट का ज़्यादातर नाइट शिफ्ट मान लो आप, क्योंकि मैंने कस्टमर सपोर्ट वाले एम्प्लॉय से बात करी थी, उसने बोला उसका अलग प्रोसेस होता है, डिपेंड ऑन दी कंट्री, कौन सी कंट्री के क्लाइंट डील कर रहे हैं उसके बेसिस पे होता है, क्योंकि उसमें लाइव इंटरेक्शन रहता है कस्टमर के साथ। मेरा लाइव इंटरेक्शन नहीं है, तो मेरा टाइमिंग जैसे 10 से 7 हो सकता है, 12 से 9 मेरा अभी है। 12 से 9 के बाद एक शिफ्ट होती है दोपहर के 3 से लेकर रात के 12, और एक शिफ्ट है सुबह 6 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। तो ये मेजॉरिटी शिफ्ट हैं अभी तक। ऐसा कोई जिसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हैं ना कि रात के 12 बजे शुरू हो रही है, सुबह के 9 बजे ख़त्म हो रही है, ऐसा तो मेरी टीम में अभी तक किसी की भी शिफ्ट ऐसी है नहीं। तो मे भी शायद आगे भी ऐसा होगा, मुझे ऑलरेडी 2 महीना तो हो गया है। अब बात करते हैं माई पर्सनल एक्सपीरियंस की, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और काम बेसिकली क्या होता है। क्योंकि आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की यूट्यूब पे, लेकिन ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर में एक्चुअल काम क्या होता है उसकी एक वीडियो पूरी मिल जाए तो शायद अलग बात है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर में 2 टाइप के डिपार्टमेंट आप मान सकते हो। पहला होता है बायर डिपार्टमेंट, दूसरा होता है सेलर डिपार्टमेंट। बायर मतलब ये, जैसे आप नॉर्मल अपना अमेजॉन शॉपिंग ऐप यूज़ करके सामान मंगाते हो, तो अमेजॉन के लिए आप एक बायर हो गए, आप अमेजॉन से सामान खरीद रहे हो। दूसरा होता है अमेजॉन सेलर सपोर्ट, सॉरी अमेजॉन सेलर। अमेजॉन सेलर मतलब कि अमेजॉन पे काफ़ी बार दूसरे थर्ड पार्टी सेलर होते हैं जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो, तो उनको अमेजॉन सेलर बोलते हैं। उनका डिपार्टमेंट भी रिस्क वाला एक होता है, बट मैं बायर वाले डिपार्टमेंट में हूँ। अब मेरा जॉब क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अमेजॉन ऐप यूज़ कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, और मेरा लोकेशन दिल्ली है, मैं दिल्ली रहता हूँ, ज़्यादातर आसपास घूमने चला जाता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली, लखनऊ, यूपी, गुड़गांव, ये सब एरिया मेरा मेन है जहाँ पे मैं अमेज़ॉन का शॉपिंग ऐप यूज़ कर सकता हूँ लोकेशन, उन लोकेशंस में, और वहाँ पे मैं दिल्ली या आसपास के एरिया में सामान मंगाता हूँ अमेज़ॉन से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को एक क्रेडिट कार्ड मिला सड़क पे पड़ा हुआ, मैंने वो उठा लिया और मैंने उससे एक आईफोन प्लेस कर दिया, या फिर मैंने क्रेडिट कार्ड उठाया और मैंने आईफोन जो प्लेस करा वो केरला लोकेशन में कर दिया। अब आज से पहले मैंने वो कभी कार्ड यूज़ नहीं करा है, सेकंड मैं कभी केरला नहीं गया। केरला नहीं गया मतलब मैंने ज़्यादातर केरला में कोई इतना ऑर्डर करा नहीं है, और ना ही मैंने कभी अपने फ्रेंड वगैरह का जो है वो यूज़ करा है, कि मेरा फ्रेंड कोई केरला में रहता हो तो मैंने उसके लिए कुछ आज से पहले ऑर्डर करा हो। तो आपके एंड पे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बट अमेज़ॉन के एंड पे वो आपका एक तरीके से ट्रांजेक्शन होल्ड हो जाता है, ऑर्डर होल्ड हो जाता है। इंडिया में तो इतना नहीं होता, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग UPI यूज़ करते हैं, प्लस आपका OTP भी आता है। अगर आप कोई भी कार्ड यूज़ करोगे, किसी का आपको चुराया हुआ मिल गया, आप उसका नंबर डालोगे तो OTP आता है। तो इंडिया में इतना नहीं होता, बट अब्रॉड में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए आप कभी ट्राई करके देखना booking.com वेबसाइट जो है जहाँ से होटल बुक होते हैं, उसमें कोई अब्रॉड का होटल बुक करके देखना और पेमेंट करना वीज़ा या मास्टर कार्ड के अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। आप नोटिस करोगे कि कोई OTP नहीं आएगा, और नॉर्मल आप जैसे ही कार्ड नंबर डालोगे सीधा पेमेंट कट जाएगा। तो इसलिए जितने भी ऐसे चोर या फ्रॉडस्टर वगैरह होते हैं जो बाहर हैं, कनाडा, US, मेक्सिको, कहीं भी हो सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। अगर उन्हें कोई कार्ड मिल गया तो वो लोग यही यूज़ करते हैं। अब उनके एंड से सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन कार्ड तो किसी और का है। अब क्रेडिट कार्ड में ऑप्शन होता है, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, आप रिपोर्ट कर सकते हो उसको। तो एक तरीके से क्या होगा कि वो अमेज़ॉन के लिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉस्टर ने तो यूज़ कर लिया कार्ड, लेकिन जब जो एक्चुअल कार्ड होल्डर है उसको पता चला, उसके स्टेटमेंट में आया कि इतने पैसे कट गए, तो वो बैंक से बात करेगा और बोलेगा मैंने नहीं करा, बैंक उसका पैसा वापस कर देगा। इंडिया में तो इतना आसान नहीं है, बाहर लेकिन हो जाता है। ये बैंक से अगर आप बात करो तो वो आपकी हिस्ट्री देखते हैं कि पहले ऐसा इसने कभी कराया नहीं कराया, ऐसे बार बार कॉल करके पैसा वापस वाली बात, और फिर आपको पैसे वापस कर देते हैं। तो बैंक ने पैसे वापस कर दिए कस्टमर को, और फ्रॉस्टर को सामान मिल गया, और अमेजोन की जेब से पैसे चले गए और सामान भी चला गया। एज अ ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर हमारा काम यही होता है कि जो फ्रॉस्टर फ्रॉड ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसको अमेजोन से हटाना, और प्लस जो जिसका क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में चुर गया है या ऑनलाइन लीक हो गया है उसको देखना। क्योंकि वहाँ पे अगर सच में किसी का क्रेडिट कार्ड चुरा है और कोई दूसरा पर्सन उसके क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो अमेज़ॉन को फिर बाद में वहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि वो पर्सन चार्ज बैक कर देगा। और इसमें इंडिया के, मतलब इंडिया में भी ये डिपार्टमेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें हायरिंग होती है, मतलब जब आपकी जॉब हो जाएगी, लग जाएगी, फ्रॉड
फिर आप US या फिर कनाडा, UK या फिर काफ़ी बार फ्रांस, जापान, इन सारे देशों में ये वर्क करता है अमेज़ॉन का ये वाला डिपार्टमेंट, उन वाले क्लाइंट्स को डील करोगे, उन वाले क्लाइंट को डील करोगे। इसमें क्लाइंट से ऐसे कुछ डील नहीं करना है आपको, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता आपको, बाहर से आप ये समझ लो कि कॉल वॉल इतना नहीं करना होता। हालांकि एक या दो कॉल पर डे मान लो आप, तो एक या दो कॉल वो भी बहुत रेयर है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ ज़बरदस्ती कॉल करना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक के कॉल होते हैं, इससे ज़्यादा मेरा कॉल तो अभी तक कोई गया नहीं है। बस वो सामने वाला यस नो बोलेगा, ऐसे करके आपको बात करनी है। अब बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन प्रोसेस की। तो ओरिएंटेशन प्रोसेस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एज सच कोई ओरिएंटेशन नहीं है कोई गाइड करने वाला। एक और एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे ना अमेज़ॉन बहुत सारी चीज़ें अपनी अलग यूज़ करता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बाकी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होता है, आउटलुक होता है, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट का चलता है, एक्सेल वगैरह रहता है, यहाँ पे सिर्फ एक 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 टूल ये लोग यूज़ करते हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। आउटलुक के अलावा ये लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह अमेज़ॉन चाइम यूज़ करते हैं, प्लस एक्सेल की जगह इनके पास एक और सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके पास अपनी अलग है। अब इसमें होता क्या है कि आपको कोई भी ऐसा गाइड करने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे जो यूज़र नेम होता है ना, जैसे मान लो आपको कोई ईमेल आईडी है, मेरा ईमेल आईडी मान लो अर्जित शर्मा है, ठीक है, मेरा नाम ईमेल आईडी है, तो अब यूज़र नेम उसको बोल के आप ईमेल आईडी में डाल सकते हो, बट यहाँ पे उसको ये लोग एलियस बोलते हैं। मुझे नहीं पता भाई, काफ़ी लोग बैंगलोर वगैरह के होंगे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि एलियस बोलते हैं उसको, तो वो भी वहाँ पे दिक्कत है कि एलियस जो है क्या होता है। तो पहले दिन मैंने वो भी पूछा कि एलियस क्या होता है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट टाइम सीखनी पड़ेगी, और पूछ लेना, मैंने तो पूछ लिया, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, पूछोगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि आपको 1250 रुपये सैलरी के अलावा, सैलरी में इंक्लूडेड होता है लेकिन सैलरी के अलावा आपको वाईफाई का खर्चा मिलता है, प्लस 1100 रुपये का जोडेक्सो मील वाउचर मिलता है, जो जोमेटो स्विगी पे आप यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपका जैसे एम फाइन एक ऐप है डॉक्टर कंसल्टेशन का, वो लाइफ टाइम जब तक आप अमेज़ॉन में जॉब करोगे डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री में हो जाता है। प्लस अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो उसका मामूली 1000-1500 रुपये आपकी सैलरी में से कट जाएगा, और 5 लाख तक का इंश्योरेंस हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हो जाती हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो आपको मतलब जो फ्रॉड केसेस सॉल्व करने हैं, देखना है कि वहाँ फ्रॉड है या नहीं है, उसका टारगेट होता है, जैसे कस्टमर सपोर्ट या फिर सेल्स की जॉब में जो टेली सेल्स होती है, क्या टारगेट होता है कि आपको इतनी कॉल्स करनी है और इतना सेल्स टारगेट अचीव करना है, यहाँ पे वो सब तो है नहीं। तो यहाँ पे केसेस देखने हैं कि कितने केस आप सही कर रहे हो, और 1 घंटे में कितने केस अगर आपको दिए गए हैं, मान लो 1 घंटे में आपको 5 केस दिए गए हैं, तो 5 केस आप टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो, और अगर कंप्लीट कर रहे हो तो सही से तो कर रहे हो ना। क्योंकि मान लो आपने कोई सही बंदा था, आपको लगा कि इसका नाम अजीब है, ये फ्रॉड है, आपने उसको मतलब उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अब लेकिन वो जेनुइन बंदा था, तो आप खुद सोचो अमेज़ॉन में और इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब इंडिया में अगर आपका अमेज़ॉन का ऑर्डर कोई कैंसिल हो जाएगा, आप एक बार कस्टमर केयर से बात कर लोगे, दूसरी बार आप दोबारा ऑर्डर प्लेस कर लोगे। लेकिन US में लोग इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हैं, वो कोर्ट भी चले जाते हैं, तो इसलिए फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर अमेज़ॉन को वहाँ पे और फिर लॉयर हायर करना पड़ेगा, 10 चीज़ें होंगी। इससे बचने के लिए आपको सही एक्शन लेना है। तो हाँ, थोड़ा सा इसमें काम मतलब आपको थोड़ा ध्यान लगा के काम करने की ज़रूरत होती है। कस्टमर सपोर्ट की तरह नहीं है कि एक टेली सेल्स वाला आया, या मतलब आपने कुछ बेच रहे हो तो एक कस्टमर को नहीं बेचा, दूसरे कस्टमर को हो जाएगा। यहाँ पे पर केस हर कस्टमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। और वर्क प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा वर्क प्रेशर कुछ नहीं है, आप लॉग इन करो, एक आध मीटिंग दिन में हो जाती है, बाकी अपने हिसाब से लंच ब्रेक लो, और उसके अलावा आपका जो बाकी टी ब्रेक वगैरह रहता है वो ब्रेक लो। कोई आपको यहाँ पे बार बार ऐसा नहीं करेगा कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, जो भी आप काम कर रहे हो वो आप सही ढंग से करो, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। मतलब आपको भी जो मैट्रिक्स है ना, जो यहाँ पे केस कितना सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो, वो सब आप अच्छे से ओवर अचीव कर लोगे। वोट आपको मिलता है मैनेजर या बाकी टीम मेट से जब आप काम करने लगते हो ट्रेनिंग के बाद। तो देखो, यहाँ पे जब ट्रेनिंग के बाद आप ऑन फ्लोर जाते हो, तो वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, उसको रैम प्रोसेस ये लोग बोलते हैं। यहाँ पे 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का रैम प्रोसेस चलता है, जिसमें आप एक्चुअल काम करते हो, बट वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपको काफ़ी लोग होते हैं। कहीं आप दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे एक पूरी टीम ही अलग है, मतलब मैनेजर के अलावा एक रैम प्रोसेस की टीम होती है, वो गाइड कर देती है आपको कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, ये चीज़ ऐसे करो, तो वो हेल्पफुल तो है। बाकी सपोर्ट की बात है तो मेरा मैनेजर तो काफ़ी सपोर्ट करता है, लीव वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जेन्युइन रीज़न है तो लीव वगैरह मिल जाएगी। प्लस जैसे यहाँ पे एक चीज़ का बस आप ध्यान रखना, जैसे मेरी टीम में मेरे मैनेजर के अलावा 15-16 लोग और हैं। अब जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैंने भी ऐसे किया था कि थोड़ा बहुत मैंने इंग्लिश
प्रिपरेशन कर लिया था उसके लिए, इंटरव्यू के लिए, और फिर मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन इंटरव्यू के बाद भी यहाँ पे आपको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। अभी तक मेरे को ऑलमोस्ट 2 महीने में आज तक मुझे एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने मेरे से हिंदी में बात करी हो। जो दिल्ली के हैं वो भी इंग्लिश में करते हैं, लेकिन हाँ उन्हें हिंदी आती है। क्योंकि होता क्या है, जैसे अब मेरा हैदराबाद में ऑफिस है, तो मेरी टीम में 15 लोगों में से आधे लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी आती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए आपको वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और हाँ, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ाएगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ बोल रहे हो और आप कहीं अटक रहे हो इंग्लिश में तो वो आपका मजाक उड़ाए, क्योंकि उनकी भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। कोई साउथ का है तो उसका तमिल, तेलुगू, ये सब लैंग्वेज है उनकी। तो इसलिए, और जो हिंदी भी हैदराबाद वाले लोगों की, वो हैदराबादी हिंदी भी बहुत अजीब होती है, सबको पता है। अजीब मतलब ऑफेंड मत हो जाना, लेकिन हाँ जो यूपी या नॉर्थ साइड से होता है उससे थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टूटी फूटी सीखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं अपना केस बताऊँ, जब ट्रेनिंग में था तो वहाँ पे जो ट्रेनर थी वो बैंगलोर की थी, प्रॉपर बैंगलोर की थी, वो कन्नड़ थी। हाँ कन्नड़ बोलते हैं उनको, तो वो कन्नड़ थी। और उसका जो इंग्लिश का एक्सेंट थोड़ा अजीब था, और उस समय मेरी इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी ही थी। मतलब कम्युनिकेट करना आता था, लेकिन ज़्यादा सवाल मैं नहीं पूछता था। तो अगर मेरे को किसी टॉपिक में दिक्कत होती थी, तो जहाँ मुझे 4-5 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ मैं 1 या 2 सवाल ही पूछता था, क्योंकि अब मुझे लगता था मैं इंग्लिश में फिर बोलना पड़ेगा। तो लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि टाइम हो गया है, तो इसलिए अब थोड़ा मैं सीख गया हूँ। लेकिन आप उससे घबराना मत, वो जाके आगे मतलब आगे जाके आप सीख जाओगे आराम से। तो ये हो गया पूरा सपोर्ट का बाद। हाँ बस थोड़ा ओरिएंटेशन का, कि अलग अलग टूल्स हैं इनके, वो चीज़ आपको मतलब पता रहना चाहिए, खुद ही आपको देखना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड इंसेंटिव्स की। तो सबसे जो कम सैलरी है वो अमेज़ॉन में वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट VCS वाली जॉब की है। जो मुझे ऑफ़र करी गई थी वो थी 2.98 LPA समथिंग थी, मतलब 3 लाख से भी कम साल के। तो 20 से 22 हज़ार रुपये, क्योंकि आपके 1100-1200 रुपये वाईफाई वगैरह का भी इंक्लूड रहता है, वाउचर वगैरह रहता है। तो 20-22 हज़ार रुपये आप रफली मान लो VCS के। और VCS के अलावा आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर लो, एज अ फ्रेशर कर लो चाहे एज अ एक्सपीरियंस कर लो, उसका जो सैलरी रहेगा या इंसेंटिव जो रहेगा वो हमेशा वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट से ज़्यादा ही रहेगा। सबसे जो बेकार पैकेज या सबसे कम पैकेज वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट वालों को ही मिलता है, हर जगह मिलता है। कोई 14 हज़ार में लेता है दूसरी कंपनी में, अमेज़ॉन का नाम अच्छा है, तो ये 20-22 हज़ार रुपये दे रहे हैं। और बाकी जो मेरी वाली पोजीशन का है, 3.2 से लेके 4 LPA तक इसमें रहता है। प्लस इंसेंटिव का यहाँ पे ये रहता है कि अगर ओवर टाइम के यहाँ पे ऑफर्स आते हैं, तो अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम का आपको मिल जाता है। और जिस दिन छुट्टी है, जैसे छुट्टी मान लो कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, उस दिन छुट्टी है, उस दिन आप काम करना चाहते हो, तो आपको पर डे का डबल मिलता है। अगर आपका पर डे के जो पैसे बनते हैं वो बन रहे हैं मान लो 500 रुपये, तो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे जिस दिन ऑफ है उस दिन काम करोगे। तो ऑफ का मतलब ये नहीं कि हर वीक जो ऑफ है उस दिन काम करो, वो वाला ऑफ नहीं। जो फेस्टिवल या कोई मैंडेटरी ऑफ, सबका ऑफ है, उस दिन आप ऑप्ट कर सकते हो कि आप काम करना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं अप्रेजल और कॉन्ट्रैक्ट आपका आगे बढ़ता है या नहीं उस चीज़ के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ज़्यादातर जॉब्स में अब अमेज़ॉन ने फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट आ गया, या सीजनल बोल सकते हो, सीजनल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, 6 महीने की आपको जॉब मिलती है, या काफ़ी बार 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और जो काम आप कर रहे हो उसके बेसिस पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका आगे बढ़ाना है या आपको परमानेंट करना है। ज़्यादातर केसेस में अगर 10 लोगों ने ज्वाइन कराया अमेज़ॉन को, 10 में से 4-5 लोगों का बढ़ा देते हैं और बाकियों का नहीं बढ़ाते हैं। जिनका बढ़ाते हैं उनका 3 महीने बढ़ा देते हैं पहले, फिर आगे जब 3 महीने कंप्लीट होने वाले होते हैं तो 3 महीने फिर बढ़ा देते हैं, यानी कि 1 साल हो गया। उसके बाद फिर डिसाइड करके अगर और ठीक लगता है तो उसमें से 5 में से 2 लोगों का, 1 लोग का परमानेंट कर देते हैं। लेकिन बार बार भी आप आ सकते हो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। देखो मेजोरिटी चांसेस यही हैं कि 10 लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 में से 7 का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। लेकिन वापस फिर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ऐसा मुझे HR ने बोला था जब मैंने उससे ये पूछा था। और अप्रेजल आपको तभी होगा, मतलब साल में अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अप्रेजल साइकिल आ रही जो कि अप्रैल मई जून में रहती है, तो आपको ऑब्वियसली अप्रेजल हो जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने का, जैसे मैंने अभी ज्वाइन करा जुलाई में, तो 6 महीने हो गए, जनवरी तक हो गए मेरे, तो उसमें अप्रेजल का कुछ है ही नहीं, मतलब अप्रेजल साइकिल आई नहीं थी, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे फिर कोई अप्रेजल नहीं मिलेगा उसका। तो इस तरीके से अप्रेजल और कॉन्ट्रैक्ट का आपका आ जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की, जो कि लास्ट वीडियो में मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे, तो उस बारे में मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यू ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? तो इंटरव्यू ऑनलाइन होता है, जाके आप दे सकते हो, लेकिन क्योंकि आप वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की जॉब ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हो, तो सबके उसके इंटरव्यू, ट्रेनिंग, असेसमेंट, सब कुछ आपका ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन अगर जाना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन होता है आपका, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन जाना है आपको। दूसरा है कि हाउ टू क्लियर असेसमेंट, कैसे क्लियर करें?
तो भाई इस पे मैं देख रहा था यूट्यूब पे कुछ लोगों ने अपना पेड कोर्स बनाया हुआ है जिसमें वो टेस्ट के आंसर देते हैं, तो उन सब चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मल अपना 2-3 बार असेसमेंट आप मान के चलो कि आपका क्लियर नहीं होगा, मेरा भी 5-6 बार के बाद क्लियर हुआ था। एक दो बार आप जब सीख जाओगे ना कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर एक ऐप भी है ब्रेनली डॉट करके .io ऐसे करके, ब्रेन डॉट ली ऐसे करके एक ऐप है, उस पर आपको आंसर्स मिल जाते हैं। मतलब आंसर मतलब प्रैक्टिस के लिए, उस समय नहीं मिलेंगे क्योंकि उस समय कैमरा ऑन होगा और बार बार आप अपना गर्दन इधर उधर करोगे या फ़ोन आपके ऐसे फ्रेम में आ गया ना, तो उसके बाद फिर आपका टेस्ट वहीं पे रुक जाएगा। तो इसलिए 4-5 बार अपना प्रैक्टिस करते रहो, निकल जाएगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 3-4-5 महीना वेटिंग टाइम रहता है, अमेजोन के भरोसे मत बैठना, दूसरी जॉब भी अप्लाई करते रहो। तीसरा है कि जॉब छोड़ने के बाद वेलकम किट वापस करनी पड़ती है। हाँ भाई, वेलकम किट वापस करनी पड़ती है, सारी चीज़ें कोरियर से मतलब आप वापस कर सकते हो। कोरियर आप नहीं करना, वो लोग ही भेजेंगे, और अगर आपके घर के आसपास अमेजोन का ऑफिस है तो वहाँ जाके भी आप दे सकते हो। फिर आता है कि VCS जॉब में अप्लाई किया था बट कोई रिवर्ट नहीं आया। तो भाई रिवर्ट जैसे मैंने बताया, रिवर्ट 90% नहीं ही आता है। इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, बार बार अप्लाई करते रहो, हर 2 महीने 4 महीने में करते रहो, तब जाके आएगा। और नहीं भी आता है तो उसमें ऐसा नहीं है, VCS या अमेज़ॉन की जितनी जॉब्स हैं करते रहो, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि क्यों नहीं आया। देखो अमेज़ॉन, अगर साफ साफ बोलूँ तो अमेज़ॉन को इतना मतलब बॉदर नहीं करता कि कौन अप्लाई कर रहा है कौन क्या है, ना वो HR कोई उनका फ़ोन करता है, उनका सिस्टम बहुत अलग है। तो बस आप ये कर सकते हो कि आप नॉर्मल अप्लाई करते रहो। बाद पैकेज, तो जैसे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है वाला क्वेश्चन, असेसमेंट देने के बाद कितने दिन बाद जवाब आता है। हाँ, तो असेसमेंट देने के बाद कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर क्लियर हो गया है तो विद इन मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। अगर 1 महीने के बाद भी नहीं आ रहा तो समझ जाओ असेसमेंट क्लियर नहीं हुआ। बट हाँ, 15-20 दिन 1 महीना मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, अगर क्लियर हो गया है तो आ जाता है, 10-12 दिन में आ जाता है जवाब। फिर उसमें 11 अप्रूव्ड स्टेट हैं इसमें। हाँ, 11 अप्रूव्ड स्टेट हैं जिसमें वर्क फ्रॉम होम आपको मिलता है। और इसने मेरे एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि यूपी लोकेशन जो है वो मेरे घर से नज़दीक है, लेकिन मैं यूपी लोकेशन में रहता नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया आपको, वो तरीका आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश कंपलसरी है या नहीं, और आगे ज़रूरत पड़ेगी अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो। देखो भाई, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, इंग्लिश टूटी फूटी आके इंटरव्यू में चल जाएगी। और इंटरव्यू से पहले जो 2-3 मेन क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्शन, ये सब, ये रट के भी आप आराम से दे सकते हो। लेकिन गलती से भी ये मत सोचना कि एक बार मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया उसके बाद तो इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदी में आराम से काम करूँगा, ऐसा नहीं होगा भाई। यहाँ पे टूटी फूटी इंग्लिश जो आपने इंटरव्यू में दिया था ना, वैसी टूटी फूटी इंग्लिश आपको आगे भी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि आप खुद सोचो, ऐसे मान लो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के लिए आप जा रहे हो, आप बाय चांस जो आपको डिपार्टमेंट मिला वो US वाले, वहाँ पे कस्टमर आते हैं, आपको US वाले कस्टमर की कॉल डील करनी है। अब भाई अगर आपको नॉर्मल जो इंडियन इंग्लिश बेसिक होती है वहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो भाई US का एक्सेंट और US इतनी तेज़, US वाले इतनी तेज़ तेज़ बोलते हैं कि वो नहीं समझ पाएगी आपको, तो आप सोचो आप सर्वाइव कैसे करोगे फिर। क्योंकि एक बार दो बार तो बच जाओगे आप, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश से जब पूरे दिन ही आपको कस्टमर सपोर्ट वाले जॉब करना होगा, 8 घंटे आपको कस्टमर से ही बात करना होगा, तो कभी तो पकड़े जाओगे कि इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो। तो इसलिए उसका थोड़ा प्रिपरेशन कर लो। और अगर इंग्लिश आपका एकदम से आपको जॉब चाहिए और एकदम से नहीं है, मतलब एकदम से इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो सकती, तो टूटी फूटी इंग्लिश पे आप कस्टमर सपोर्ट के अलावा बाकी जॉब्स में देखो जहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर आपका डील करना पड़ा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। असेसमेंट देने के बाद कितने दिन में इंटरव्यू होता है? असेसमेंट देने के बाद अगर क्लियर हो गया असेसमेंट, तो इंटरव्यू का आपको 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम इतना आ जाता है। तब भी नहीं आया तो समझ जाना कि असेसमेंट क्लियर नहीं हुआ आपका। और मोबाइल पर असेसमेंट टेस्ट नहीं होगा? नहीं भाई, मोबाइल पर असेसमेंट टेस्ट नहीं होता। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, साइबर कैफ़े में चले जाओ, अपने दोस्त वगैरह को देख लो, मतलब दोस्त वगैरह से लैपटॉप मांग लो, लेकिन मोबाइल पे मत करना। मोबाइल पे अटक और जाएगा बीच में, और वहाँ पे दिखाएगा कि आप असेसमेंट चालू कर चुके हो, और फिर उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, तो असेसमेंट भी आपके यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए उसको ऑन तभी करना, फर्स्ट क्वेश्चन पे तभी जाना जब आप लैपटॉप पे हो। फ़ोन से गलती से भी उसको ओपन मत करना, मैंने भी लैपटॉप से ही दिया था। और 10th पास वाला एक क्वेश्चन था कि 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, कस्टमर सपोर्ट के लिए भी 12th पास और मेजोरिटी बाकी जॉब्स के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन BA है तो नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन कोई भी हो तो चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाईफाई एंड वाईफाई की स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो वाईफाई अगर आप वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के लिए जा रहे हो, तो उसमें ना राउटर जो होता है आपका, उससे डायरेक्टली आपका लैन केबल जो होता है वो लोग प्रोवाइड करेंगे, वो आपके CPU में आएगा।
और उसमें मतलब ये वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में कोई भी वायरलेस चीज़ जैसे वाईफाई वगैरह अलाउड ही नहीं है। आपका डायरेक्टली राउटर से केबल आएगा जो कि आपके सीपीयू में जाएगा, और इसकी स्पीड जो लिखी है वो 100 Mbps लिखी हुई है, और बाकी जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, वाईफाई वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो आपके इसी वाले कस्टमर सपोर्ट वाली जॉब में है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपको डेस्कटॉप मिलता है जिसमें कुछ चलता नहीं है, सिर्फ बस ऑन करोगे क्लाइंट से कॉल या मैसेज आएंगे, वही आप नॉर्मल अमेजोन का ही काम कर सकते हो। बाकी जॉब्स में लैपटॉप आपको मिलता है, उसमें आप बाकी अपने पर्सनल काम भी कर सकते हो। और टाइपिंग स्पीड मांगते हैं? नहीं, टाइपिंग स्पीड इसके अंदर नहीं मांगते किसी भी जॉब में, ना कस्टमर सपोर्ट में और ना ही आपका बाकी जॉब्स में। और प्रैक्टिस कैसे करें असेसमेंट का? तो मैंने ऐसे किया था प्रैक्टिस कि मैंने 2-3 बार जब अप्लाई किया, मेरे पास असेसमेंट आया था, तो बिना किसी प्रिपरेशन के मैंने असेसमेंट दिया। ऑब्वियसली मुझे पता था क्लियर नहीं होगा, तो ऐसे कर करके जब 3-4 बार हो गया, 5 बार हो गया, तो थोड़ा सा मुझे आ गया कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, तो ऐसे करके फिर मैंने कर दिया था। मैंने किसी का ना ही पेड मेंबरशिप लिया था, जो कोर्स बेचते हैं अपने, कोर्स मतलब बोलते हैं कि हम आपको आंसर बता देंगे, वो सब नहीं लिया था, और ना ही मैंने कुछ इतना यूट्यूब पे वीडियो देखा था, बस नॉर्मल मैंने जो मैं तरीका आपको बताया वैसे अप्लाई किया था। शिफ्ट टाइमिंग्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शिफ्ट टाइमिंग आपका 24/7 कभी भी लग सकती है, लेकिन 8 घंटे ही लगेगी, और 1 घंटे का ब्रेक, यानी कि 9 आवर्स आपका टोटल 1 डे में शिफ्ट लगेगा। और हाँ, व्हाट इज़ L2 L3 ये सब क्या होता है? तो जैसे L2 L3 ये सब ये होता है, जैसे अमेज़ॉन या बाकी जो कंपनी होती है ना, जो ज़्यादातर फॉरेन की या टेली परफॉर्मेंस या और भी कंपनी है, वहाँ पे लेवल चलते हैं, मतलब लेवल 1 से लेके लेवल 12 लेवल 14। उसका मतलब होता है कि जो लेवल 1 2 पे हायर हो रहा है वो सबसे फूड चेन में सबसे लो आता है, कंपनी का सबसे नीचे वाला एम्प्लॉय है। जैसे कस्टमर सपोर्ट की जॉब L2 पे होती है, बाकी जॉब्स L3 वगैरह L4 पे भी ले लेते हैं लोग, तो L4 पे टीम लीड वगैरह आते हैं, कस्टमर सपोर्ट L2 पे आता है, तो L2 के नीचे कोई नहीं आएगा, और कस्टमर सपोर्ट के ऊपर मैनेजर L3 पे हो गया, फिर उसके ऊपर L4 पे, ऐसे कर करके जब अप्रेजल होगा तो हर साल आपका प्रमोशन होगा। जो लास्ट आपका है वो L14 L12 इतना चलता है अमेजोन में, जो मतलब जेफ बेजोस वाला हो गया, L12 L14, तो वो हो गया। आप मान लो कि लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है L6 L7 तक पहुंचने में, लेकिन इतना कुछ मैटर नहीं करता, सवाल पूछा तो मैंने बता दिया। और वॉट इज़ SME? SME क्या होता है? तो SME ये समझ लो आपकी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे कि एक तो टीम लीडर होता है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर टीम लीडर है, उसके ऊपर मैनेजर है, लेकिन कुछ कंपनी में क्या होता है, टीम लीडर के नीचे, जैसे मेरी टीम में मेरे साथ 15 लोग हैं, अब उसमें से कोई एक पर्सन है जिसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अभी टीम लीडर नहीं बना है, तो उसको SME बना देते हैं अनऑफिशियली, मतलब कोई भी अगर न्यू ज्वाइनिंग है, किसी के डाउट होंगे तो वो उससे पूछेगा, और वो अपना काम भी करता रहेगा, प्लस वो हेल्प भी करेगा, तो उसको SME बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसको पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड बहुत नॉलेज हो गई है और वो एक्सपर्ट बन चुका है, उसको SME बोलते हैं। तो इस तरीके से ये SME का कॉन्सेप्ट चलता है, काफ़ी कंपनी में चलते हैं, अमेजोन में भी है SME का। और एक्टिव जॉब एप्लीकेशन आती है किसी की, हाँ कुछ कुछ लोग बोलते हैं हमारा जॉब एप्लीकेशन इनएक्टिव हो गया, हमने अप्लाई किया था, तो देखो भाई एक बार आप जब अमेजोन में जॉब अप्लाई कर दो, उसके बाद फिर आपको वो जॉब देखनी ही नहीं है, आपने पोर्टल पे गए अप्लाई करा, बस बात खत्म, जो कम्युनिकेशन होगा वो मेल पे होगा, इनएक्टिव हो चाहे आर्काइव हो, उसमें कुछ भी हो, आप क्योंकि 10-20 जॉब अप्लाई करोगे, मैं लिख के देता हूँ, आप 20 कर लो, 30 कर लो, कस्टमर सपोर्ट कर लो, दूसरी वाली कर लो, 90% आपको कोई रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, उसमें आपकी गलती नहीं है, वो प्रोसेस ही ऐसा बनाया हुआ है, तो इनएक्टिव हो जाए, आपको कुछ छोड़ के नेक्स्ट जॉब अप्लाई करनी है, अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, आप नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमने अमेजोन का करियर पोर्टल पर अप्लाई करा, वहाँ पर कुछ और शो कर रहा है, तो जैसे मैंने अभी बताया, सिर्फ आपने एक बार अप्लाई कर दिया अमेजोन करियर पोर्टल पर जाके, आपको अब कुछ नहीं देखना, मेल पे जो कम्युनिकेशन आएगा वो आएगा, करियर पोर्टल पे बिल्कुल भी मत जाना। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें मतलब हमारा इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया, हमें ई आधार अपलोडिंग इशू आ रहा है, तो ये काफ़ी लोगों को आता है। इसमें क्या होता है कि ई आधार जब आप डाउनलोड करते हो UIDAI की वेबसाइट से, तो उसमें पासवर्ड लिखा होता है, तो जब आप डाउनलोड कर लो, फाइल का नाम चेंज मत करना, ना ही पासवर्ड हटाना, उसको एज इट इज़ अपलोड कर देना, तब भी नहीं होगा अगर, तो 3-4 दिन बाद फिर करना, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसमें फिर HR या किसी से कोऑर्डिनेट करोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, बस आप, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आप सिस्टम में अमेजोन के नहीं घुस जाते ना, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तो ज़्यादा कोई आपको इतना भाव नहीं देगा, इसलिए नॉर्मल जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे ही आप अप्लाई करना। तो वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी रह गई थी, इसलिए अब डाल रहा हूँ। तो जैसे मान लो आपने अमेजोन की कोई भी जॉब अप्लाई करी, अप्लाई करने के बाद आपका असेसमेंट टेस्ट हुआ जो कि आपने क्लियर कर दिया, और फॉर एग्जाम्पल आपका जॉब लग गया इंटरव्यू वगैरह देने के बाद, जॉब लगने के बाद आपका ऑब्वियसली ट्रेनिंग होगा जिस भी प्रोफाइल के लिए आप हायर हुए हो,
ट्रेनिंग के बीच में ना, जैसे अगर 15 दिन की ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के बीच में आपके दो असेसमेंट टेस्ट होते हैं। एक तो इंटरिम असेसमेंट होता है, मतलब अगर 15 दिन की ट्रेनिंग है तो 7वें या 8वें दिन आपका एक इंटरिम असेसमेंट टेस्ट होता है, जो ट्रेनिंग में सिखाया उसके क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। और उसमें अगर आपके स्कोर कम भी आएंगे तो उसका इतना कोई फ़र्क नहीं है, उसमें ट्रेनिंग आपकी रुकेगी नहीं, आपको बोलेंगे कि ठीक है आप इम्प्रूव करो। लेकिन एक जब लास्ट डे आपका ट्रेनिंग होता है ना, 15 डे पे, अगर 15 दिन की ट्रेनिंग है तो 15 डे पे आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसको ये लोग टोल गेट टेस्ट बोलते हैं, जो ट्रेनिंग के लास्ट में होता है। टोल गेट टेस्ट का मतलब ये है कि उसमें आपको जो भी ट्रेनिंग में इन लोगों ने सिखाया है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, उसका जवाब आपको देना होगा। और बाय चांस अगर आप फेल हो गए उसमें, जो टोल गेट एग्ज़ाम है, तो उसके बाद पहले अटैम्प्ट में अगर आप फेल हो गए तो सेकेंड अटैम्प्ट आपको मिलता है। सेकेंड अटैम्प्ट में अगर आप फेल हो गए तो अमेज़ॉन में वो आपका फिर लास्ट डे होगा, फिर आपका एचआर वगैरह से बात करके आपको एग्जिट करवा दिया जाएगा। तो जो ट्रेनिंग टाइम में आपने काम किया, जैसे अगर 15 दिन ट्रेनिंग टाइम आपका हुआ है तो 15 दिन के पैसे आपके बाद में आ जाएंगे आपके अकाउंट में, बट उस टाइम फिर आपका वो लास्ट डे रहेगा। अब इसमें काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि असेसमेंट, उन्हें लगता है असेसमेंट हो गया, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, बस। तो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आपको टोल गेट क्लियर करना होता है। और टोल गेट में मिनिमम कितने मार्क्स लाने होते हैं, तो देखो किसी के 25 क्वेश्चन आते हैं, किसी के 40 आते हैं। मेरे जो इंटरिम असेसमेंट था उसमें 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मुझे 80 के ऊपर स्कोर करना था, मतलब 80% के ऊपर। और जो फाइनल असेसमेंट होता है उसमें हमेशा 90% के ऊपर स्कोर करना होता है। तो मेरे में 40 क्वेश्चन थे फाइनल असेसमेंट में, और उसमें से 2-3 अगर गलत हैं तो 90 से फिर कम हो जाएगा आपका परसेंटेज, तो फिर आपका पहला अटैम्प्ट ख़राब, फिर दूसरा अटैम्प्ट आपका होगा, वो आपको क्लियर करना ही करना होगा। अब बात आती है इसमें कि कैसे करें, टफ होता है, क्या होता है। तो देखो इसमें जैसे अगर आप 15 दिन के साथ, मतलब 15 दिन का आपका ट्रेनिंग का बैच है, और ऑब्वियसली 15-20 लोग तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे उस ट्रेनिंग में, आपके अकेले की ट्रेनिंग तो होगी नहीं, तो उसमें दोस्त बनाने की कोशिश करो और उस लोगों से बात करो। ग्रुप बन जाता है ना 5-6 लोगों का, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जैसे मेरा और मेरे साथ 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया था, तो हम सब लोगों ने एक दूसरे का हेल्प किया, हेल्प मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, और वो हो जाता है। सबको पता है, ट्रेनर को पता है, एचआर को पता है कि इस तरीके से ही होता है, बट अगर आपके कुछ दोस्त नहीं बने या फिर आप खुद ही असेसमेंट टेस्ट क्लियर कर रहे हो तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, कैमरा वगैरह ऑन नहीं होता, बस टाइमर होता है, और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, सारे एक लिस्ट में आते हैं, आपको सारे एक साथ क्लिक करके सबमिट करना होता है। टाइम उसका अच्छा होता है, 45 मिनट्स to 1 आवर का आपका टाइम रहता है उसके अंदर। ये सारे क्वेश्चंस वो थे जो वेलकम किट वाली वीडियो में लोगों ने मेरे से पूछे थे। इन केस अगर इसके अलावा भी आपका कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं, बट प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार ना इतने सिली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि लैपटॉप वापस करना होता है क्या अमेज़ॉन जॉब छोड़ने के बाद, एक पूछ रहा था कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, आप मेरे को लगवा दो, तो ऑब्वियसली अब इसका क्या जवाब दूँ मैं। तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट या जो जिनके सीरियस डाउट होते हैं वो रह जाते हैं, तो इसलिए अगर कोई किसी को सीरियस सच में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको 100-150 रुपये तक का मेंबरशिप मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी आपको बताऊँगा तो उतना तो बनता है, तो वो आप बाय कर सकते हैं, पूरे 1 महीने का रहेगा। उसमें कॉलिंग का भी देख लूँगा अगर पॉसिबल हो पाएगा, वरना डाउट तो सारे क्लियर कर दूँगा। बट हाँ, मुझे ये भी पता है कि जब कोई बंदा जॉब के लिए सर्च कर रहा है तो फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है उसकी इतनी अच्छी नहीं हो, उसके लिए भाई मैं ये कर दूंगा कि मेंबरशिप बाय मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी का लिंक दे दूंगा, उस ईमेल आईडी पे मुझे प्रॉपर जो हो एक ही ईमेल में सारे जितने डाउट है, जो दिक्कत आ रही हो सारे मेरे को लिख के भेज देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ईमेल आईडी और मेंबरशिप वाले ऑप्शन है ना इंस्टाग्राम पे, जो मतलब जो बिल्कुल ही ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं जो जवाब जिनका कुछ होता ही नहीं है, वो वाले लोग हट जाएंगे और फिल्टर आउट होके जो एक्चुअल जिनके क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं दे पाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को देख लेना। और अब बात कर लेते हैं फाइनल रिव्यू की इस जॉब के बारे में, कि जॉब कैसा है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो अमेज़ॉन में ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है, और 100 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 3-4 महीने के वेट टाइम के बाद भी 100 में से 70-80 लोगों की जॉब नहीं लगती है, 15-20 लोगों की जॉब लगती है। और एक फॉल्स होप, एक तरीके से झूठी उम्मीद रहती है उन्हें कि हमारे पास एक कंफर्मेशन मेल आ गया था, असेसमेंट टेस्ट हमारा क्लियर हो गया था, ऐसा हमें लग रहा है। तो ऐसे करके बहुत इसमें टाइम आपका वेस्ट होता है, तो साथ में दूसरी जॉब देखते रहो। बट हाँ, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक ये समझ लो या टिप समझ लो जो मैंने भी करी थी, उससे आपको ना चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि आप जब हर महीने सारी बहुत सारी जॉब में अप्लाई करोगे अमेज़ॉन के अंदर, VCS में भी, बाकी सब में भी, मान लो आपने 10 जॉब अप्लाई करी अमेज़ॉन में एक महीने में, 10 में से 5 का आपको कन्फर्मेशन मेल आया, 5 में से आपको 3-4 का असेसमेंट मेल आया, असेसमेंट मेल आने के बाद आपने 4 में से 4 का असेसमेंट टेस्ट दे दिया चाहे कुछ भी स्कोर आया, फिर अगले महीने आपने ऐसे सेम 10-20 जॉब अप्लाई करी,
ऐसे कर करके जब 3-4 महीने तक आप अप्लाई करके असेसमेंट टेस्ट देते रहोगे उन जॉब्स में, तो अमेज़ॉन और हायर प्रो डॉट इन जो मैंने बताया था उनके सर्वर में आपका डेटा कि असेसमेंट टेस्ट आप इतने टाइम से दे रहे हो, हर बार स्कोर इम्प्रूव हो रहा है घट रहा है, पूरा डेटा स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब 4-5 महीने बाद आप अगर अप्लाई करना कम भी कर देते हो ना, तो अमेज़ॉन और हायर प्रो आपको वर्स एंड राउंड और खुद मेल भेजते रहेंगे असेसमेंट टेस्ट का ऐसी पोजीशन के लिए जो आपने अप्लाई भी नहीं करी है। और काफ़ी बार वहाँ पे जो एचआर है, मतलब एचआर आपको खुद रीच आउट करेगा, मतलब मेल पे आएगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल, आपने कहीं कोई पोजीशन अप्लाई नहीं करी, उसके बाद भी आपका वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके आपके पास सीधे आ जाएगा कि शॉर्टलिस्ट हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, लेकिन उसके लिए आपको 3-4 महीने का वेट करना पड़ेगा। मैंने भी ये वाला ट्रिक अपनाया था, बट इस ट्रिक से मेरे पास शॉर्टलिस्ट वाला मेल आ गया था, बट क्योंकि मेरा तब तक 2-3 जगह ऑलरेडी चल रहा था ये VCS और ये TRI वगैरह जॉब में, रिस्क वाली जॉब में, तो मैंने उसमें आगे फिर अप्लाई नहीं करा। बट तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, लूप होल नहीं है ये, ना ही इलीगल है ये, बस एक तरीके की आप समझ लो कि जो लोग 3-4 महीने तक लगातार असेसमेंट टेस्ट देते रहते हैं उन्हें ये चीज़ पता है, बट एज सच कोई यूट्यूब पे बताता नहीं है आपको, तो ये करके आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसके अलावा बाकी फाइनल रिव्यू की अगर मैं बात करूँ, तो देखो ये मत सोचो आप कि 3 महीने का टाइम लग रहा है, 4 महीने का लग रहा है, और पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने बाद फिर से देखनी पड़ेगी, वो सब बात की बात है। 3 महीने तक जब आप इसके जॉब में अप्लाई कर रहे हो, साथ साथ आप कहीं और भी करते रहो, वहाँ हो जाए तो और अच्छी बात है, बट इन केस अगर 3 महीने बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये मत सोचना कि 6 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अपने CV के ऊपर अमेज़ॉन कंपनी का नाम होना ही बहुत बड़ी बात है। वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट अमेज़ॉन का है तो चलो ठीक है, क्योंकि वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट सबको पता है अमेज़ॉन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी बल्क हायरिंग भी हो जाती है, बट अगर बाकी जैसे कि मेरे में ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का है, किसी में फ्रॉड एनालिसिस का है, तो इन सारे पोजीशंस में ना जो इंटरनेशनल बैंक जैसे बारक्लेज इंडिया है, बारक्ले है, उसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस है, सेक्सो बैंक है, तो इनकी नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर हर जगह ब्रांच है, और वहाँ सब में फ्रॉड एनालिस्ट की जॉब आती है, जिसमें 6 LPA to 8 LPA पैकेज आपको फिक्स मिलता है, कोई सेल टारगेट वगैरह कुछ नहीं होता, प्लस आपका डे शिफ्ट भी रहता है काफ़ी केसेस में, तो इस तरीके से आपको हेल्प होगा। और आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, बट मतलब अब मैंने ये सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दिया है। और इसके अलावा मैं टेली परफॉर्मेंस में ही मैंने जॉब करी थी, टेली परफॉर्मेंस कंपनी में एज अ कस्टमर केयर, इससे पहले अमेजोन ज्वाइन करने से पहले, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और बाकी आप वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो मेंबरशिप बाय कर सकते हैं, प्लस या आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और हाँ, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।